लखीसराय की बेटी ने एक बार फिर परचम लहराया है। लखीसराय जिले के सुरगढ़ा प्रखंड के मौला नगर की रहने वाली डॉक्टर नादिरा सुल्ताना ने महिला सशक्तिकरण पर यह अवार्ड अपने नाम किया है। डॉक्टर नादिरा सुल्ताना एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित वुमेन और चाइल्ड सेमिनार अवार्ड के 6वें MGA अवार्ड में महिला सशक्तिकरण पर डॉक्टर नादिरा सुल्ताना को यह अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर पूरे भारत भर से 20 लोगों को सम्मानित किया गया और अंत में उसी सेमिनार में एक लकी ड्रॉ हुआ जिसमें उन्हें 11,000 रुपये से नवाजा गया। डॉक्टर नादिरा बिहार की पहली महिला है जिसने यह अवार्ड जीता है। नादिरा एक समाजसेवी, खेल प्रभावित डेंटल सर्जन और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। नादिरा अपने टीम के साथ जगह जगह पर मेडिकल कैंप, फ्री डेंटल कैंप, क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए मेडिकल किट और फ्री हेल्थ चेकअप, पौधारोपण, कोरोना काल में फ्री चेकअप और वैक्सीन भी लोगों को प्रदान की और गरीब बच्चों को हमेशा से शिक्षा और खेल की ओर प्रेरणा देती आ रही है। नादिरा देश में बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है जिनमें खेल मंत्री, जिला के महापौर और बहुत लोगों से अपने काम का लोहा मनवा चुकी है। MGA अवार्ड में बॉलीवुड सितारे, हिंदुस्तान के सीरियल के कलाकार और हिमानी गंगे के चेयरमैन ने यह अवार्ड डॉक्टर नादिरा को दिया है। डॉक्टर नादिरा सुल्ताना एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है जो खेल प्रभावित और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित ढेर सारे सोशल कार्य करती रहती है, विशेष तौर से महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं के क्रिकेट मैच, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम में चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर, खेल अकादमी को प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे वितरित करना आदि मुख्य रूप से शामिल है। डॉक्टर नादिरा सुल्ताना ने कोरोना महामारी के विकट समय लॉकडाउन में एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ढेर सारे कार्य किए हैं, जैसे कोरोना जांच, परीक्षण शिविर, टीकाकरण शिविर, फूड कैंप, मास्क वितरण के अलावा ऑक्सीजन और सैनिटाइजर फ्री उपलब्ध कराना भी शामिल है। ये महिला प्रीमियर लीग 2021 की मेडिसिन चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर चुकी है। हम इन्हें 6वीं फिजियर MGA वुमेन डिग्री अवार्ड 2022 से सम्मानित करते हैं।